हल्द्वानी शहर की कस्ताहाल सड़कें मरम्मत की राह ताक रही है। जंजर हो चुकी गड्ढा युक्त सड़कें शहरवासियों की राह मुश्किल कर रही है। 15 सितंबर के बाद इन सड़कों का मरम्मत का काम होना था, लेकिन बदहाल सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। बदहाल सड़कें के चलते पर आए दिन हादसे होते रहे हैं। व्यू, दरअसल जिला प्रशासन 15 सितंबर से सड़कों को ठीक कराने का दावा तो कर रहा था, लेकिन जिला प्रशासन का दावा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बदहाल सड़क को ठीक करने के लिए विधायक सुमित के साथ साथ स्थानीय लोग भी कई बार धरना प्रदर्शन कर सरकार और जिला प्रशासन को जगाने का काम किया। मामूली बारिश से जलमग्न सड़कों से गुजरने पर कई बार दोपहरिया वाहन चालक संतुलन खो बैठते हैं। जिलाधिकारी नैनीताल वन्ना सिंह का कहना है कि सड़कों के लिए टेंडर प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरसात के चलते सड़कों के पूर्ण निर्माण में देरी हो रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी हल्द्वानी के कुछ मार्गों के टेंडर्स वगैरह 15 सितंबर को क्लियर हो गए थे, लेकिन बरसात लगातार आने की वजह से उसमें काम शुरू नहीं हो पाया था। हमने पिछले दिनों एनएच ब्रेडकुल और पीडब्ल्यूडी की एक मीटिंग करी थी सड़कों के गड्ढों के विषय में, तो सड़कों के गड्ढों पे जहाँ जहाँ टेंडर क्लियर हैं वहाँ काम शुरू करवा दिए हैं। अभी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो हमने निर्देश दिए कि टेम्परेरी रूप से अभी फिलहाल पैच रिपेयरिंग वर्क कराए जाएँ ताकि दुर्घटनाओं का अंदेशा जो है वो कम हो सके, और बरसात के बाद जैसे ही आपको हफ्ते 10 दिन का क्लियर विंडो मिलता है तो उस दौरान जो डामरीकरण वगैरह की कार्रवाई है वो कंप्लीट कराई जाएगी। कुछ सड़कों पर काम शुरू भी कर दिया है विभाग के द्वारा। 3-4 सड़कें ऐसी हैं जो मुख्य मार्ग हैं जिन पर 25 सितंबर को टेंडर फाइनल होना है, उसके बाद काम शुरू हो पाएगा। तो इसमें अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का सभी सड़कों में काम लग जाएंगे। पीडब्ल्यूडी भवाली की जो भवाली भीमताल रोड है उस पर भी काम शुरू हो गया है। जो नैनीताल से भवाली भीमताल को रोड आगे जाती है उस पर भी काम शुरू